एग्रोनेक्स की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको मल्चिंग के बारे में बताएंगे। मिट्टी को जैविक सामग्री या प्लास्टिक शीट के साथ ढककर नमी को बचाने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग केवल पानी ही नहीं बल्कि खरपतवार को भी कंट्रोल करती है और पौधों की उत्पादकता भी बढ़ाती है। यही नहीं, मल्चिंग से बीज अंकुरण जल्दी होता है और मिट्टी से होने वाले रोगों का प्रकोप कम हो जाता है। मल्चिंग दो तरीक़ों से की जा सकती है। एक तो जैविक तरीके से, जिसमें फसल अवशेष, खाद या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी है प्लास्टिक द्वारा की गई मल्चिंग। जैविक मल्चिंग मिट्टी में जल्दी सड़ जाती है, इसलिए बार बार करनी पड़ती है, इसलिए प्लास्टिक मल्चिंग को बढ़िया माना जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग करने के लिए खेत को तैयार करके मेड़ों की लंबाई के अनुसार प्लास्टिक शीट बिछा लें और किसी गर्म पाइप की मदद से पौधे की दूरी के अनुसार उचित अंतरकाल पर छेद बना लें। चारों तरफ से प्लास्टिक मल्च को मिट्टी में दबा देना चाहिए और उसके बाद प्लास्टिक में किए गए छेदों से बीजों को बो देना चाहिए। फसल की कटाई के बाद प्लास्टिक मल्च को अगली फसल के लिए फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रक्रिया को अपने खेत में अपनाकर आप उचित लाभ उठा सकते हो। अगर आपको अपनी फसल या पशु से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमारी एग्रोनेक्स की ऐप पर पोस्ट कीजिए, हमारी टीम आपको इसका जल्द से जल्द हल बताएगी। और ऐसी और वीडियोस के लिए एग्रोनेक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।